साथियों नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आगामी विधानसभा सत्र 18, 19, 20, 21 जुलाई को होने वाला है और इस विधानसभा सत्र में हम विधानसभा को घेराव करने के लिए सूचना जो है माननीय मुख्य सचिव महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को दे चुके थे। इसके संबंध में जो है मुझे मुख्य सचिव जेडी से एक फोन कॉल आया और जितने भी अनियमित कर्मचारियों की मांगे हैं, कितनी जानकारियां हैं, कितना वित्तीय भार आएगा, ये सारे चीजों को लेके एक जानकारियां मंगाई गई थी। और इस जानकारी को लेके मैं हरीश भाई के साथ और भूपेन भाई के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ हम यहां मंत्रालय आए हुए हैं। अब देखते हैं कि ये भी जानकारी मिल रही है कि हमको 12 तारीख को एक और कैबिनेट की बैठक है। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस कैबिनेट बैठक पे भी हमारे सब लोगों की नज़र होगी और अगर उस कैबिनेट बैठक से हमें कुछ मिलता है तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन जहां तक अभी तक जो संवाद नहीं हो रहा था वो संवाद अगर सरकार कर रही है तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सरकार की ओर से एक पहल जरूर किया जा रहा है, कर्मचारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। उसके लिए मैं सामान्य प्रशासन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूँ भूपेन साहू, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सामान्य प्रशासन विभाग आए हैं मिलने के लिए और हमें बुलाया गया था। तमाम वो जो जानकारी था, तमाम वो जो हमारी मांगे हैं, 6 सूत्री मांग, उस संबंध में हमको बुलाया गया था और हम मिले हैं। और साथ में हमारे से जो संबद्धता संगठन है, कितने संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सूची भी मांगे हैं और आगे और भी जुड़ेंगे क्या, ऐसा पूछा गया। तो हम ये भी बताएं कि आने वाले समय में और बहुत सारे संगठन जुड़ रहे हैं। तो साथियों मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो निश्चिंत रहें, आपका नियमितीकरण होगा और नियमितीकरण का जो प्रोसेस है वो लगभग प्रारंभ हो चुका है। बार बार अब आने वाले समय में हो सकता है बुलावा आ सकता है। तो जितने भी अन्य जो संगठन हैं जो नहीं जुड़े हैं हमसे, उन तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और उनके कर्मचारियों से हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें समर्थन पत्र दीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हम जो आने वाले समय में जो अपडेट जो संगठन का जो लिस्ट रहेगा उसका हम सामान्य प्रशासन विभाग पुनः फिर से भेजेंगे। और आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो आगामी जो हमारा आंदोलन है विधानसभा घेराव, जो 18 से 21 जो 4 दिवसीय आंदोलन है, उसमें आप सभी एकदम कमर कस लीजिए और बहुत बढ़ चढ़ के अपने को हम सबको हिस्सा लेना है और ये हमारी अंतिम लड़ाई है और यहीं से हम हमारे लिए एक नियमितीकरण का जो रास्ता है वो निकलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरीश साहू, मैं प्रदेश अध्यक्ष शासकीय आईटीआई मेहमानपुर कथागार संघ एवं जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ जिला शक्ति। और आज हम इंद्रावती भवन और महानदी भवन दोनों जगह प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव के नेतृत्व में कूच किए थे। हमारी जरूरी मांगे ये है कि हमारे जो बहुत से साथी हैं जो आईटीआई में जो मेहमान पत्र है उनका अभी जो वर्तमान वैकेंसी के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जो उम्र की सीमा पार कर चुके हैं या फिर जो अनुभव नहीं रखते उस वैकेंसी के लिए पर्टिकुलर, उन लोगों का जॉब जाने का खतरा मंडरा रहा है या लगभग तय है, उनके लिए हम संचालक महोदय को मिल के पत्र दिए हैं। और यहाँ महानदी भवन में आलोक शुक्ला जी के यहाँ भी अपना लेटर छोड़े हैं और हमारे विभागीय सचिव टोपेश्वर वर्मा जी के यहाँ भी हम लोग लेटर छोड़े हैं। सभी से सकारात्मक जवाब मिला है। आशा करते हैं कि किसी का जॉब ना जाए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आगामी 18 से लेकर 21 तक जो महासंघ का आह्वान पे पूरे छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी आंदोलन करने वाले हैं उसमें भी शासकीय आईटीआई मेहमान कल्याण संघ अपना भागीदारी दिखाएगी।